सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने नवीन गल्ला मंडी सीतापुर में चल रही धान खरीद का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी, साथ ही आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने संबंधितों को निर्देश दिए कि जो भी किसान अपना धान विक्रय करने आए उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, धान खरीद में कोई भी घटतौली ना की जाए और ना ही बेवजह किसानों को परेशान किया जाए। जिलाधिकारी की उपस्थिति में किसानों द्वारा लाए गए धान की नमी पर की गई कांटा बांट किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव हेतु केंद्र प्रभारी और संबंधित एजेंसी के जिला प्रबंधक को निर्देशित किया और मंडी सचिव को मंडी की साफ सफाई रखने हेतु निर्देशित किया। कि आज मेरे द्वारा पीसीएफ और मंडी के केंद्रों का निरीक्षण किया गया। कुल 3 केंद्रों का आज मैंने निरीक्षण किया। वहाँ पे जो मौजूद किसान थे उनसे मैंने वार्ता भी किया, तो किसी के द्वारा किसी विशेष समस्या का जिक्र नहीं किया गया। जो उनकी क्लीनिंग वगैरह के लिए जो उनके चार्ज लिए जा रहे उसके भी विषय में पूछा गया। किसी के द्वारा कोई शिकायत संज्ञान में नहीं लाई गई। रिकॉर्ड्स का भी मैंने अवलोकन किया और धान का क्रय हमारे यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना ही हम किसान को आने देंगे और ना ही अभी आ रही है। क्या लक्ष्य के अनुरूप धान आ रहा है या जो हमारी बरसात हुई थी उसका कुछ उत्पादन लक्ष्य पे असर पड़ा है? देखिए, उत्पादन लक्ष्य पे थोड़ा असर तो पड़ा है, लेकिन इस बार जो हमारा धान का जो क्रय है वो पिछले साल के अनुपात में सही है। पिछले साल के अनुपात में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है और आवक जो है वो हमारे यहाँ पे भी लगातार बनी है। बीते वर्ष की अपेक्षा धान के कई केंद्र के जो है कुछ अब इस बार में कम दिए गए हैं, ऐसा किन कारणों से? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार जो धान क्रय केंद्र है पिछले वर्षों से अधिक खोले गए हैं। इस बार हमारे जो धान क्रय केंद्र हैं पिछले जो हमारे जो लक्ष्य था वो 104 केंद्रों का था और पिछली बार लगभग 140 के आसपास खुले थे। इस बार हमने उससे अधिक ही क्रय केंद्र अभी भी फिलहाल सुचारू। उस धानों के केंद्रों के निरस्तीकरण के भी आदेश हुए थे? नहीं, अभी फिलहाल कोई निरस्तीकरण का नहीं है। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।